आज हमने जो आजादी की विरासत की विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं, सदियों से हमारे पास जो क्रिमिनल लॉ थे, आज हमने उसको नए क्रिमिनल लॉ, जिसको हमने न्याय संहिता के रूप में और जिसके मूल में दंड नहीं पर नागरिक को न्याय, इस भाव को हमने प्रबल बनाया है। ईज ऑफ लिविंग बनाने के लिए देशव्यापी मिशन में काम करें, हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं, मैं जनप्रतिनिधि, वो किसी भी दल के क्यों न हो, किसी भी राज्य के क्यों न हो, सबसे आग्रह करता हूं कि हमने एक मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए। मैं हमारे युवाओं को, प्रोफेशनल्स को, सबको मैं कहना चाहता हूं, आप अपने स्थान स्थान पर जहां पर आपको छोटी छोटी दिक्कतें होती है, आप उसके सॉल्यूशन को लेकर के सरकार को चिट्ठी लिखते रहिए, सरकार को बताइए कि बिना कारण की कठिनाई आए उसको दूर करने से कोई नुकसान नहीं है। मैं पक्का मानता हूं आज सरकारें संवेदनशील है, हर सरकार, स्थानीय स्वराज्य की संस्था होगी या राज्य सरकार होगी या केंद्र सरकार होगी, उसको तवज्जो देगी। गवर्नेंस में रिफॉर्म्स, ये हमें विकसित भारत एट 2047 के सपने के लिए हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा, ताकि सामान्य मानवीय के जीवन में अवकाश ही अवकाश पैदा हो, रुकावटें खत्म ही खत्म होती चली जाए, नागरिकों का डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों के जीवन में सम्मान मिले। डिलीवरी के संबंध में कभी किसी को ये कहने की मोहब्बत ना आया कि ये तो मेरा हक था, मुझे मिला नहीं, उसको खोजना ना पड़े। सरकार के गवर्नेंस में डिलीवरी सिस्टम को और मजबूती चाहिए। आप देखिए देश में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, केंद्र, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे 3 लाख इकाइयों को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानव के लिए, 2 रिफॉर्म करें, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ एक साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारे, आप देखिए हम देखते ही देखते एक साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवीय का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी। और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानवीय की जरूरत तो छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश आकांक्षाओं से भरा हुआ है, हमारे देश का नौजवान नई सिद्धियों को चूमना चाहता है, नए नए शिखरों पर वो कदम रखना चाहता है, और इसलिए हमारी कोशिश है हर सेक्टर में कार्य को हम गति दें, तेज गति दें, और उसके द्वारा पहले हम हर सेक्टर में नए अवसर पैदा करें, दूसरा ये बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बदलाव के मजबूती देने की दिशा में काम करें, और तीसरी बात है नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के विषय में हम प्राथमिकता दें, उसको बल दें। इन तीनों भारत में एक एस्पिरेशनल सोसाइटी का निर्माण किया है और उसके परिणाम स्वरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भरा हुआ है। हमारे देशवासियों की आकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस, हमारे नौजवानों की ऊर्जा हमारे देश के सामर्थ्य के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक ललक लेकर के चल रहे हैं। मुझे विश्वास है
रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के अवसर पर हम काम किया है। प्रति व्यक्ति आज आय दोगुनी करने में हम सफल हुए हैं। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बढ़ा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है, पहले से दो गुना पहुंचा है। ग्लोबल संस्थानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है। मुझे विश्वास है भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है। लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में एक नई चेतना भरता है। ममभाव हमारे कार्य की शैली है। समभाव भी चाहिए, ममभाव भी चाहिए, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, मैं जब कोरोना काल को याद करता हूं, कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच सबसे तेजी से इकोनॉमी को बेहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है, तब लगता है कि हमारी दिशा सही है। जब जात पात मत पंथ ऊपर उठकर हर घर तिरंगा फहराया जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है। न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय है। यही तो हमारी दिशा की ताकत है।